नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी परिवहन के बारे में, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम लोग संचार के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित लेक्चर खत्म होते जा रहे हैं, वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले हुए, ठीक है। तो संचार, समाचार पत्र पत्रिकाएं देखते हैं पहले हम लोग, ठीक। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की शुरू उर्दू भाषा से हुई। क्या पूछेगा, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत किस भाषा से हुई? तो आपको क्या बता देना है, उर्दू, ठीक है। पहली हिंदी मासिक पत्रिका आपकी 1915 में इंदौर से निकली। क्या, पहली हिंदी मासिक पत्रिका आपकी कहाँ से निकली और कब? तो इंदौर से निकली थी 1915 में। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र अखबार ग्वालियर आपका 1840 में निकला, ग्वालियर से। किस भाषा में था? उर्दू में, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र का नाम था अखबार ग्वालियर, ये 1840 में निकला ग्वालियर से, ठीक है, उर्दू भाषा में था। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। फिर आगे 1848-49 में मालवा अखबार, इसके संपादक थे पंडित प्रेम नारायण, इन्होंने इंदौर से इसे प्रकाशित किया और हिंदू और उर्दू का पहला साप्ताहिक अखबार था। याद रखना है, मालवा अखबार आपका इंदौर से निकला, इसके संपादक थे पंडित प्रेम नारायण, ये निकला आपका 1848-49 में, और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में था, ठीक है, एक साप्ताहिक अखबार था। राज्य का पहला विशुद्ध उर्दू भाषा का समाचार पत्र दिल्ली अखबार 1852 में इंदौर से प्रकाशित हुआ, ठीक। मध्य प्रदेश की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका नवजीवन थी, जो 1915 में प्रकाशित हुई, ठीक है। याद रखना है, प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका क्या थी? नवजीवन। ये कब प्रकाशित हुई? 1915 में। मध्य प्रदेश में प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से प्रकाशित पत्रिका वसुधा थी, जिसके संस्थापक थे हरिशंकर परसाई। 1833 में ग्वालियर गजट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। सन 1905 में इसका नाम बदलकर ग्वालियर स्टेट कर दिया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र आपके भोपाल से निकलते हैं, ठीक है, भोपाल से प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विशाल संख्या वाला समाचार पत्रकार आपका दैनिक भास्कर है। विदेश के दूसरे समाचार विशाल संख्या वाले समाचार पत्र में नई दुनिया का प्रकाशन 5 जून 1947 को इंदौर से प्रारंभ हुआ। श्री नरेंद्र तिवारी, श्री बाबू लाभचंद और श्रीमती बसंती सेडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक खेल पत्रिका आपकी खेल हलचल के नाम से इंदौर से प्रकाशित होती है, जिसका प्रकाशन नई दुनिया द्वारा किया जाता है। किस द्वारा? नई दुनिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र नवजीवन है के नाम से सन 1939 में इंदौर से प्रकाशित हुआ। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र नवजीवन के नाम से 1939 में इंदौर से प्रकाशित हुआ था। 1873 में इंदौर से होलकर सरकार गजट और जबलपुर से जबलपुर समाचार पत्र प्रकाशित हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं, सन 1887 में रीवा से भारत भ्राता, सन 1887 में रीवा से भारत भ्राता का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसे मध्य प्रदेश का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कहा जाता है। इसके प्रकाशक थे लाल बलदेव सिंह, ठीक है, लाल बलदेव सिंह। वर्तमान मध्य प्रदेश में सबसे पुराना समाचार पत्र आपका मध्य प्रदेश संदेश है, जो पूर्व में जयाजी प्रताप के नाम से ग्वालियर 1905 में प्रकाशित हुआ था, ग्वालियर से। मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा रोजगार एवं
निर्माण समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है? मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना 16 जनवरी 1991 को भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना 16 जनवरी 1991 में भोपाल में की गई थी। 19 जून 1984 को भोपाल में माधव राय सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना की गई थी। पत्रकार भवन भोपाल तथा जबलपुर में है। पत्रकार भवन आपका भोपाल में है और जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में सभी 51 जिलों में टेलेक्स एवं इंटरनेट सुविधा है। याद रखिए अब 52 जिले हो गए, ठीक है। निवाड़ी भी नया जिला बन गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राज्य से मराठी का पहला अखबार, मराठी का पहला अखबार आपका पूर्ण चंदोदय 1 नवंबर 1860 को प्रारंभ हुआ। यह वासुदेव बल्लार मुड़ी के संपादक में इंदौर से निकाला। 1833 में जबलपुर से कृष्ण राव के संपादन में जबलपुर समाचार का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह द्विभाषी मासिक अखबार था जो हिंदी और अंग्रेजी में छपता था। माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में करमवीर का पहले 1920 में जबलपुर से, फिर 1935 में खंडवा से। याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में आपका करमवीर सबसे पहले 1920 में जबलपुर, उसके बाद 1935 में खंडवा से। मध्य प्रदेश का प्रथम दैनिक समाचार पत्र प्रकाश, ये आपका 11 जून 1923 को बुंदेलखंड के सागर से मास्टर बलदेव प्रसाद संपादक थे इसके, ठीक है। फिर है आगे आपका मध्य प्रदेश का प्रथम, ये देख ही लिए हैं, विकास था पत्र 11 जून 1923 को बुंदेलखंड के सागर से मास्टर बलदेव प्रकाश प्रसाद के संपादन में प्रकाशित हुआ। 1930 में द्वारका प्रसाद मिश्र के संपादन में जबलपुर से दैनिक लोकमत निकला। इसे उस समय का संपूर्ण समाचार पत्र माना जाता था। पहल पत्रिका का जबलपुर से, अंकट पत्रिका का पिपरिया से, नया विकल्प का विदिशा से और वाणी का प्रकाशन इंदौर से हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्तमान में प्रकाशित प्रमुख पत्रों के बारे में मध्य प्रदेश के, ठीक है। ये स्थान है, एक प्रमुख पत्र है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन से प्रजादूत, दैनिक भास्कर, विक्रम दर्शन, अवंतिका, व्यापारिक रिपोर्ट, ब्रिगेडियर, अग्निवाण, जलती मसाल आदि प्रकाशित होती हैं। और सतना से आपके सतना समाचार, नेशनल टुडे न्यूज, देशबंधु, स्वदेश भास्कर आदि। कटनी से भारती, दैनिक मध्य प्रदेश, केसरी, महाकौशल, जन मेजय और दमोह से आपका कर्तव्य निकलता है। छतरपुर से कृष्ण क्रांति, जनहित दर्शन, टीकमगढ़ से ओरछा दर्शन, मंदसौर से ध्वज कीर्तिमान, दसपुर दर्शनीय क्षेत्रीय समाचार है। बड़वानी से आपका निवाड़ एक्सप्रेस, मुरैना से योग पीड़िता, दैनिक मद्राज, चंबल बाड़ी, ये आपके मुरैना से निकलते हैं, ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं बालाघाट से आपका विश्व सूर, बालाघाट टाइम्स, शहडोल से आपका शहडोल टाइम्स, समय दैनिक मध्य प्रदेश, ये आपकी शहडोल से। दतिया की बात करें तो अंजाम और दतिया टाइम्स निकलते हैं। नीमच से नई विद्या और अमृत मंथन, रतलाम से आपका चेतना, बुरहानपुर से वीर संतरी, इंदौर से दैनिक भास्कर, नई दुनिया, स्वदेश, नवभारत, फ्री एक्सप्रेस, अग्निवाण, लोकस्वामी, चौथरा संचार, प्रभात, किरण, न्यूज टुडे, राज्य एक्सप्रेस और विश्व भ्रमण पत्रिका, ये आपकी इंदौर से। भोपाल की बात करें तो नई दुनिया, दैनिक भास्कर, नवभारत, दैनिक जागरण, राज्य एक्सप्रेस, सांध, प्रकाश, ये आपके भोपाल से। जबलपुर की बात करें तो नवीन दुनिया, देशबंधु, लोक सेवा,
नर्मदा ज्योति, स्वतंत्र मत नव भारत और अग्रदूत। ग्वालियर की बात करें, स्वदेश भास्कर, लोकपत भारत भूमि, ग्वालियर समाचार, निरंजन चंपल चंबलवाणी ग्वालियर से, रीवा से आपका आलोक और जागरण, झाबुआ से आपका पिसारण। ठीक है, ये थे आपके फिर मुख्य समाचार। अब बात करें मुख्य आकाशवाणी केंद्र और इनके स्थापना वर्ष। ठीक है, इंदौर में मुख्य आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 22 मई 1955, 22 मई 1955 को। भोपाल में आपकी 11 अक्टूबर 1956 को, ग्वालियर में 15 अगस्त 1964 को, जबलपुर में 6 नवंबर 1964, छतरपुर में 7 अगस्त 1976, रीवा में आपका 2 अक्टूबर 1977, सागर में आपका 1995। ठीक, याद रखिए। आगे बात करते हैं आकाशवाणी। प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या लगभग 26 है। भोपाल में विज्ञापन प्रसारण सेवा प्रारंभ, इसका प्रारंभ हुआ था 1975 में। रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1955 में इंदौर से हुई। ठीक है, प्रसारण की दृष्टि से सबसे अधिक क्षमता वाला आकाशवाणी केंद्र आपका इंदौर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3 निजी क्षेत्र की FM सेवा कार्यरत हैं, जिनमें पहला रेडियो मिर्ची 2006 में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 78 रिले केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में अप्रैल 1962 में डाक तार परिमंडल गठित हुआ, जिसका मुख्यालय आपका नागपुर में था पहले। इसे 1965 में स्थानांतरित करके भोपाल में स्थापित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं दूरसंचार, दूरदर्शन, उसके बाद दूरसंचार देखेंगे। दूरदर्शन सन 1975 में मध्य प्रदेश में दूरदर्शन की सेवाएं रायपुर केंद्र वर्तमान छत्तीसगढ़ ने से दी गई थी। ठीक है, 1982 में ACR के समय इंदौर भोपाल में प्रसारण केंद्र स्थापित हुए। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर आपका भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में कुल 10 हैं लगभग। ठीक, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन स्टूडियो की संख्या 3 है। मध्य प्रदेश में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केंद्र आपका भोपाल, इंदौर में है। प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कस्तूरबा ग्राम इंदौर में लगाया गया। प्रदेश में पहला टीवी स्टूडियो भोपाल में स्थापित किया गया। ठीक है, बात करते हैं दूर संचार। क्या दूर संचार? टेलीफोन राज्य में, टेलीफोन मध्य प्रदेश राज्य में दूर संचार सेवाओं की शुरुआत 1974 में हुई थी। माना जाता है कि सन 1856 में सबसे पहले राज्य के भोपाल व जबलपुर में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हुई थी। ठीक है, प्रदेश में टेलीफोन केंद्रों की संख्या लगभग 2424 है। प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या लगभग 64 है। मध्य प्रदेश में एयरटेल के नाम से प्रारंभ की गई टेलीफोन सेवा देश की पहली निजी टेलीफोन सेवा थी। ठीक है, तो ये थी आपकी संचार से संबंधित, जो आपका मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में था उसे देख लिया। आगे हम लोग बात करेंगे शिक्षा के आयाम, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे शिक्षा के आयाम। ठीक है,